हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईलर्न आईटीआई में। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो लेथ मशीन का था, चैम्फरिंग। मतलब चैम्फरिंग कैसे किया जाता है। इसके पहले का जो वीडियो था हमें स्टेप टर्निंग का था, तो स्टेप टर्निंग कैसे किया जाता है उसके बारे में हम पूरे डिटेल एक इसमें पहले कैसे किया जाता है ब्लैकबोर्ड के ऊपर देखे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाए कि कैसे किया जाता है। और आज का है अपना चैम्फरिंग, कि चैम्फरिंग कैसे किया जाता है, फिर चैम्फरिंग क्यों किया जाता है, फिर चैम्फरिंग कहाँ पे किया जाता है। तो जैसे मैंने जो डायग्राम है अपना पिछला डायग्राम है, सिर्फ इसमें चेंज किया क्या किया, जो हमने जो दो स्टेप तैयार किए थे, दो स्टेप के सामने यहाँ पे ये थोड़ा हल्का चेंजेज हुआ है। तो इसके ऊपर जो चेंज किए थे इसके ऊपर का भी डायमेंशन चेंज हुआ है। तो ये जो माप है, ये माप भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये जो भाग दिख रहा है सामने का, इसी को ही चैम्फरिंग बोला जाता है। और इसके पहले का जो स्टेप थे वो स्टेप ऐसे पूरे कॉर्नर वाले थे। मतलब जो स्टेप टर्निंग हम करते हैं तो उसका सामने का जो कॉर्नर आता है उसमें बहुत धार रहता है, और धार से हमें हमारे हाथ में लग सकता है, इसलिए उसके सामने का जो धार रहता है उसको मिटाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, चैम्फरिंग। मतलब स्टेप टर्निंग में जो शार्पनेस आता है उसको मिटाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे बोलते हैं चैम्फरिंग। जैसे स्टेप टर्निंग का ये पीछे का भाग है, इसका कॉर्नर में शार्पनेस रहता है, इसके ऊपर अगर हमें चैम्फरिंग करना है तो इसका डायग्राम भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। और 2 मिनट का फर्क पड़ 2 mm का, जैसे यहाँ पे मैंने डायमेंशन दिया है तो डायमेंशन क्या बता रहा है कि 2 × 45 degree। मतलब जो चैम्फर का जो लंबाई है, लंबाई कितना है 2 mm, और हमें करना कितने डिग्री पे है, 45 degree पे, 45 degree में चैम्फरिंग करना है। और कितने लंबाई तक करना है, सिर्फ 2 mm तक ही करना है। यहाँ पे भी जो दो स्टेप है अपना, जो स्टेप करने का वीडियो था उसमें जो दो स्टेप टर्निंग किए थे उसके बाद उसी के स्टेप के ऊपर ही हमें चैम्फरिंग करना है। तो इसके सामने का जो स्टेप है, सामने का स्टेप में भी 2 × 45 degree दिया है। यहाँ पे ये जो डायमेंशन दिया है, ये समझ में आना चाहिए कि ये डायमेंशन ऐसे डायमेंशन इसलिए दी जाती है या फिर उसको कैसे पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया 2 × 45 degree, तो जो चैम्फरिंग है अपना, जो टॉपिक कौन सा है, चैम्फरिंग, जो प्रैक्टिकल हम करेंगे वो कौन सा है, प्रैक्टिकल है चैम्फरिंग। तो सामने का जो डायग्राम है ये इससे हमें समझ में आना चाहिए कि ये चैम्फरिंग का है, और जो इसमें डायमेंशन दिया है तो उसको कैसे पढ़ना है, 2 × 45 degree। मतलब जो चैम्फरिंग की लंबाई है, ये जो चैम्फरिंग की लंबाई है उसकी लंबाई कितनी है, 2 mm, और कितने डिग्री में है, 45 degree में। तो इसी को हम जैसे ये चैम्फरिंग डायग्राम में बताए तो इसी को हम अभी प्रैक्टिकली करेंगे। जो जॉब है अपना, ये है जॉब स्टेप टर्निंग। यहाँ तक ये दोनों स्टेप टर्निंग कर लिया हमने, अभी यहाँ पे चैम्फरिंग करना है, और हमें यहाँ पे चैम्फरिंग करना है। चैम्फरिंग करते समय जो डायग्राम के हिसाब से डिग्री दिया है 45 degree, तो 45 degree हम डायरेक्टली हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कि 45 degree जो डिग्री की मार्किंग रहती है, मार्किंग लेथ मशीन के कौन से भाग पे रहती है, फिर उस वाले पार्ट को कौन से नाम से जाना जाता है। तो जैसे आप देख सकते कि ये जो भाग है, ये अपना जो ये चक है, ये जॉब है, ये टूल पोस्ट, और ये क्रॉस स्लाइड है, और ये अपना कैरेज। तो और कैरेज ये उसके बाद है, ये क्रॉस स्लाइड, उसके बाद ये कंपाउंड स्लाइड है, और नीचे का जो ये आप गोल वाला प्लेट देख रहे हैं इसे बोलते हैं सुवेल बेस। तो और ये सुवेल बेस पे ही डिग्री की मार्किंग है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते कि ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, और इसके ईस्ट साइड में, लेफ्ट साइड में भी 0, 10, 20। मतलब कैसे रहता है डिग्री की, जैसे हम लेथ मशीन में यहाँ पे खड़े हैं तो इसकी राइट साइड में भी डिग्री रहती है और इसके लेफ्ट साइड में भी डिग्री रहती है। तो कभी भी याद ध्यान में रखना कि जो ये जो 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट से जब हम राइट साइड में डिग्री सेट करते हैं तो वो एक्सटर्नल टर्निंग के लिए रहती है, एक्सटर्नल के लिए, और जो लेफ्ट साइड में रहती है वो इंटरनल के लिए रहती है। कभी भी ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम अभी ये स्टेप टर्निंग का जॉब है तो इसका जो ऊपर का भाग है, मतलब ये क्या हो गया, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है, तो हम मार्किंग कहाँ पे सेट करेंगे, यहाँ से राइट साइड में कितने डिग्री में दिया है, तो 45 degree में हमें सेट करना है। सेट करते समय क्या करना है, ये जो बोल्ट है और इसके अपोजिट साइड में भी सेम ऐसा ही एक बोल्ट है, इसको ढीला करके, ये जो कंपाउंड स्लाइड है इसको ऐसे स्लाइड करके हमें 45 degree में सेट करना है। जैसे मैंने बोला था कि दोनों साइड में जो ये बोल्ट रहते, ये नट बोल्ट, इसको ढीला करके हमें 45 degree राइट साइड में सेट करना है।
राइट साइड के तरफ सेट करना है, क्योंकि हमें कहाँ पे करना है, हमें चैम्परिंग एक्सटर्नल करना है, इसलिए एक्सटर्नल चैम्परिंग करते समय जो डिग्री की मार्किंग रहती है जीरो, जीरो से लेफ्ट साइड में भी रहता है और राइट साइड में भी रहता है, तो राइट साइड में जो टेपर्ड की जो डिग्री रहती है वो एक्सटर्नल करने के लिए, एक्सटर्नल काम के लिए रहता है, और लेफ्ट साइड की इंटरनल काम के लिए। और जो ये कंपाउंड स्लाइड है अपना, ये कंपाउंड स्लाइड मतलब डिग्री सेट करने के बाद कंपाउंड स्लाइड ऐसे एंगल में सेट हो जाता है। उसके बाद और सबसे बड़ी बात ध्यान में रखना क्या है कि जब हम डिग्री सेट करते हैं तो कटिंग टूल भी उसके साथ घूम जाता है, तो उसको उसी एंगल में रखना नहीं है, कटिंग टूल को 90 डिग्री में ही सेट करना है, जो अपना ये कटिंग टूल है जो टूल पोस्ट है उसको 90 डिग्री में ही सेट करना है। डिग्री सेट करने के बाद ये आउट हो जाता है, लेकिन उसको कैसे, ये ऊपर का जो लॉक सिस्टम है, लॉक सिस्टम ढीला करके ये कटिंग टूल को पूरे 90 डिग्री में ही सेट करना है। उसके बाद मशीन को मीडियम स्पीड या फिर थोड़ा फास्ट स्पीड में भी रख सकते हैं। उसके बाद हमें ध्यान में क्या रखना है कि जब हम कैरेज के सहायता से कटिंग टूल को नज़दीक लेंगे और क्रॉस स्लाइड की सहायता से नज़दीक लेंगे, तो कटिंग टूल को जो आप मशीन चालू करेंगे जॉब से यहाँ पे टच करके बाहर निकालना है। उसके बाद इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि कैरेज जो है कैरेज से टर्निंग करनी है, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ इसमें जो हम कंपाउंड स्लाइड में डिग्री सेट की है सिर्फ इसी के सहायता से ही हमें कटिंग करना है, और फीड सिर्फ क्रॉस स्लाइड से देंगे डेप्थ ऑफ कट, और फीड क्या किससे देंगे, कंपाउंड स्लाइड से ही, कैरेज का उपयोग नहीं करना है। कैरेज का उपयोग करेंगे तो सीधा प्लेन स्टेप बन जाएगा, हमें चैम्परिंग करना है, ये बात ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कटिंग टूल को सेट करना 90 डिग्री में, और उसके बाद हमें कौन से पार्ट से हमें चैम्परिंग करना है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। कटिंग टूल को सेट करने के बाद मशीन की स्पीड सेट होने के बाद चालू करने के बाद जॉब के ऊपर कटिंग टूल को टच करके बाहर निकालना है। बाहर निकालते समय हम कैरेज की सहायता से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमें टर्निंग करनी है तब हमें कंपाउंड स्लाइड से ही करना है, ये बात ध्यान में रखना है। जैसे हमने अभी जॉब पे कटिंग टूल को टच किया है तो थोड़ा हल्का मार्किंग और आवाज भी आया, तो क्रॉस स्लाइड से डेप्थ ऑफ कट देखे, जैसे डेप्थ ऑफ कट दी हमने, उसके बाद कंपाउंड स्लाइड को ही चलाना है। कंपाउंड स्लाइड से चलाने के बाद क्या होगा, जो हमने चैम्परिंग किए थे, जो हमारा प्रैक्टिकल है चैम्परिंग का, तो चैम्परिंग करते समय ध्यान में रखना कि कंपाउंड स्लाइड से ही चैम्परिंग की जाती है। जैसे आप देख सकते कि जो सामने का जो कॉर्नर था, जो शार्पनेस है, इसका चैम्परिंग करने के बाद इसका जो शार्पनेस है पूरा मिट गया है। जो डिग्री दिए थे 45 डिग्री, कंपाउंड स्लाइड को 45 डिग्री में सेट करके इसे 2 mm तक हमने टर्निंग किए। इसको अगर लंबाई गिनना है तो लंबाई भी गिन सकते हैं वर्नियर कैलिपर से, तो लंबाई गिनते समय ध्यान में रखना है जो हमने जो चैम्परिंग की है तो चैम्पर की लंबाई ही, सिर्फ लंबाई को ही गिनना है। इस प्रकार से हम चैम्पर की लंबाई गिन सकते हैं 2 mm, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 mm का ही चैम्परिंग हुआ है, जो लंबाई है लंबाई का ही वैल्यू रहती है इसमें। 45 डिग्री तो हम पहले से सेट किए, तो अगर चैम्परिंग गिनना है तो जो कॉर्नर है तो उसको कैसे गिनते हैं, इस प्रकार से वर्नियर कैलिपर से इस प्रकार से गिना जाता है। अभी सेकंड स्टेप में भी चैम्परिंग दिखाए, तो सेकंड स्टेप में भी हम चैम्परिंग करेंगे। बाहर निकलने तक का काम सिर्फ कैरेज करता है, जैसे अभी आवाज आ रहा है हल्का, मतलब कटिंग टूल जॉब को टच हुआ है। उसके बाद कैरेज से बाहर निकलने के बाद कंपाउंड डेप्थ ऑफ कट किससे देना है, क्रॉस स्लाइड से डेप्थ ऑफ कट देना है, और कंपाउंड स्लाइड से हमें टर्निंग करनी है।
जैसे हमने ये वाले स्टेप के ऊपर भी चैम्परिंग हमने कर ली है, तो वर्नियर कैलिपर से भी इसका माप चेक कर सकते हैं। ये भी स्टेप, इसका भी माप हम चेक कर सकते हैं। ये हो गया हमने हमारा जो प्रैक्टिकल था चैम्परिंग, ये चैम्परिंग का प्रैक्टिकल हो गया है। इसमें क्या क्या चीज़ मेन चीज़ रही थी कि डिग्री सेट कैसे करना है, या फिर डिग्री सेट करते समय कौन सा साइड में डिग्री सेट करना है, और जो डिग्री की मार्किंग रहती है वो कौन से इसमें पार्ट में रहता है लेथ मशीन के सुवेल बेस पर। उसके बाद राइट साइड में डिग्री सेट करने के बाद जो जब हम कंपाउंड स्लैट को घुमाते हैं तो उसकी टूल पोस्ट भी घूम जाती है, टूल पोस्ट भी आउट हो जाता है। उसके बाद टूल पोस्ट को 90 डिग्री में सेट करना है। उसके बाद 90 डिग्री में सेट करने के बाद कटिंग टूल को जॉब का मशीन चालू करके जॉब से टच करके बाहर निकालने का काम कौन सा किसका है, सिर्फ कैरेज का। उसके बाद जो हमारी मेन प्रैक्टिकल है चैम्परिंग, तो चैम्परिंग करते समय सिर्फ टर्निंग, वो चैम्परिंग का टर्निंग करते समय कंपाउंड स्लाइड से ही करना है। ये इतनी बात इंपॉर्टेंट थी आज के इस प्रैक्टिकल में। अगर किसी को कुछ प्रैक्टिकल के बारे में या फिर थियोरेटिकल कुछ पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी होंगी तो शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइब करें।